गुड मॉर्निंग अगेन क्लास सिक्स कंप्यूटर टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो इसके पहले का वीडियो थोड़ा अधूरा रह गया, उसको हम फिर कंटिन्यू करते हैं। अप्लाइंग बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, इसमें सेलेक्ट द सेल टू पुट बॉर्डर अक्रॉस देम, सेलेक्ट कर लेते हैं बॉर्डर को सेल के अराउंड। क्लिक ऑन द डिजाइन टैब, डिजाइन टैब को क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन द एरो अंडर द बॉर्डर और फिर बॉर्डर के का एरो क्लिक करते हैं। अब बॉर्डर ऑप्शन इन द बॉर्डर ग्रुप, बॉर्डर ग्रुप में ये बॉर्डर ग्रुप यहाँ पर देखिए इस तरह से बॉर्डर ग्रुप आता है। ए ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनता है, इसी को ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। क्लिक ऑन एरो अंडर बॉर्डर्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स। क्लिक ऑन द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन, क्लिक करते हैं बॉर्डर या शेडिंग और शेडिंग ऑप्शन को। द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर, और बॉर्डर और शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। इन द बॉर्डर, बॉर्डर टैब में सेलेक्ट द डिजायर्ड सेटिंग स्टाइल कलर एंड विड्थ फॉर द बॉर्डर, ये सब हम सेलेक्ट करते हैं बॉर्डर के लिए। वी कैन चेक द रिजल्ट ऑफ द सेटिंग अप्लाइड इन द प्रीव्यू एरिया, और हम सेलेक्ट करते हैं, चेक करते हैं रिजल्ट जो हमने सेटिंग किया है, अप्लाइड किया है प्रीव्यू एरिया, प्रीव्यू देखते हैं। क्लिक ओके टू अप्लाई द चेंजेस, और फिर क्लिक करते हैं अप्लाई करने के लिए जो भी चेंज करना होता है। अब है अप्लाइंग शेडिंग, अप्लाइंग शेडिंग में वी कैन अप्लाई बैकग्राउंड कलर ऑन द टेबल और ऑन सेलेक्टेड सेल, हम बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं, उसके लिए सेलेक्ट करते हैं सेल को। द स्टेप टू अप्लाई बैकग्राउंड कलर आर एज फॉलो, कुछ स्टेप्स है इसका। सेलेक्ट द टेबल और सेलेक्ट द सेल, सेलेक्ट करते हैं टेबल को या फिर सेलेक्ट करते हैं सेल को। क्लिक ऑन द डिजाइन टैब, डिजाइन टैब को क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन द एरो बिलो द शेडिंग ऑप्शन इन द टेबल स्टाइल ग्रुप, टेबल स्टाइल ग्रुप में शेडिंग ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ए लिस्ट ऑफ कलर ऑप्शन अपीयर्स, तो एक लिस्ट आता है कलर ऑप्शन का इस तरह से। सेलेक्ट द कलर ऑफ द चॉइस, और अपने चॉइस के अनुसार सेलेक्ट कर लेते हैं कलर को। द कलर अपीयर्स एज द बैकग्राउंड ऑफ द टेबल और द सेलेक्टेड सेल, और जो भी कलर अपीयर होता है बैकग्राउंड में वो मेरा टेबल में सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें देना होता है और वो आ जाता है। अब है अप्लाइंग टेबल स्टाइल, टेबल स्टाइल को भी हम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं अलग से। वर्ड प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ टेबल स्टाइल दैट हेल्प अस टू क्विकली फॉर्मेट टेबल इन ए नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग वे, ये जो हम स्टाइल चेंज करते हैं ये आसानी से होता है, तेज़ी से होता है टेबल में, और ये इंटरेस्टिंग वे है, इंटरेस्टिंग तरीका है इसका। द स्टेप्स टू अप्लाई ए टेबल स्टाइल आर एज फॉलोज, कुछ स्टेप्स है इसका। सेलेक्ट द टेबल टू विच वी वांट टू अप्लाई ए टेबल स्टाइल, सेलेक्ट कर लेते हैं टेबल में जो हमें अप्लाई करना आता है टेबल स्टाइल को। क्लिक ऑन द डिजाइन टैब और डिजाइन टैब को क्लिक कर लेते हैं। इन द टेबल स्टाइल ग्रुप, टेबल स्टाइल ग्रुप में स्क्रॉल थ्रू द जनरली गैलरी ऑफ द टेबल स्टाइल, स्क्रॉल करते हैं गैलरी के द्वारा टेबल स्टाइल एंड पॉइंट एट ईच वन टू सी ए प्रीव्यू ऑफ द ए टेबल विथ दैट स्टाइल, और जो पॉइंट होता है उसको हम प्रीव्यू कराते हैं, करा के देखते हैं टेबल स्टाइल को। क्लिक एंड सेलेक्ट द डिजायर स्टाइल, क्लिक करते हैं और सेलेक्ट करते हैं डिजायर स्टाइल को। द स्टाइल विल गेट अप्लाइड टू द टेबल, और स्टाइल मेरा क्या होता है टेबल में अप्लाइड हो जाता है। इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाइएगा अगर आपके पास बुक है तो, और नहीं है तो हम बना के दे ही रहे हैं। चैप्टर 1 का भी दिए हैं, 2 का भी दिए हैं, 3 का भी देंगे। थैंक यू वेरी मच।